हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और ये है Redmi Watch 5 Active। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Redmi Watch 5 Active स्मार्ट वॉच पे किस तरीके से आप कस्टम वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आपके फ़ोन के गैलरी में से किसी भी इमेज को अगर आप एज अ वॉच फेस यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा Redmi Watch 5 Active के बॉक्स पे 200+ वॉच फेसेस मेंशन था, तो मी फिटनेस ऐप में एग्जैक्टली आपको कितना वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है वो सारा डिटेल्स हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो Redmi Watch 5 Active पे कस्टम वॉच फेस अप्लाई करने के लिए या जो 200+ वॉच फेसेस वाला ऑप्शन है उनमें से किसी वॉच फेस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इस Redmi के स्मार्ट वॉच को मी फिटनेस ऐप के थ्रू अपने एंड्रॉइड या आईफोन के साथ प्रॉपरली सेटअप करना होगा, पेयर करना होगा। और अपने Redmi के इस स्मार्ट वॉच को आप मी फिटनेस ऐप के थ्रू एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं उसके ऊपर डिटेल्ड में डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और उस वीडियो में एक Redmi Watch 5 Active के ऑफर और एक स्मार्ट वॉच के गिव अवे का इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप जाके देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैनेज वॉच फेस सेक्शन में ऑनलाइन एंड लोकल दो ऑप्शन है। ऑनलाइन में आपको 200 से ज्यादा वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप अपने स्मार्ट वॉच पे अप्लाई कर सकते हैं, और लोकल में जो भी वॉच फेसेस ऑलरेडी आपके स्मार्ट वॉच में इंस्टॉल्ड है या बिल्ट इन है। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे स्मार्ट वॉच में यहाँ पे 3 वॉच फेसेस है, तो ये 3 वॉच फेसेस जो है ना यहाँ पे मैनेज वॉच फेस सेक्शन में लोकल सेक्शन में शो करता है। वापस से अगर हम ऑनलाइन सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी है, जैसे यूटिलिटी कैटेगरी में आपको 16-17 वॉच फेसेस मिल जाता है, इसी तरीके से फॉर्मल कैटेगरी आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको कस्टम वॉच फेस सेक्शन देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको 5 टाइप का वॉच स्टाइल मिल जाएगा। इनमें से जिस भी वॉच स्टाइल के साथ आप अपने फोन के गैलरी में से किसी इमेज को अपने स्मार्ट वॉच पे एज अ वॉच फेस यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सिंपली किसी भी वॉच फेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा, एल्बम 1 हम सेलेक्ट किए। फिर यहाँ पे हम कस्टम फोटो वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, फिर यहाँ पे हम गैलरी वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद गैलरी में से एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है, आप इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आपको अलग अलग क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप क्लॉक को ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, क्लॉक के साथ आप स्टेप्स देखना चाहते हैं या डेट देखना चाहते हैं। एंड ईच कस्टम वॉच फेस के लिए जो है ना यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। किसी वॉच स्टाइल में आपको वेदर का डेटा शो करेगा टाइम के साथ, किसी में हार्ट रेट मॉनिटरिंग का डेटा शो करेगा, किसी में स्टेप मॉनिटरिंग शो करेगा, किसी में कैलोरी बर्न शो करेगा। तो आपको जो भी डेटा स्क्रीन पे रखना हो वो आप इस तरीके से सेट करके कंटिन्यू पे टैप कर दीजिएगा, फिर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, डाउनलोड पे टैप कीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपडेट इंस्टॉल हो गया एंड यहाँ पे वॉच फेस जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, कस्टम वॉच फेस। कस्टम वॉच फेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे वर्कआउट सेक्शन में भी काफी सारा वॉच फेसेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम ऑल पे टैप करते हैं तो टोटल हम यहाँ पे काउंट किए हैं 209 वॉच फेसेस आपको मिल जाता है मी फिटनेस ऐप में। इन कैटेगरीज एंड कस्टम वॉच फेस के अलावा भी आपको काफी सारा रिकमेंडेड या पॉपुलर वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। किसी को भी इंस्टॉल करना है टैप करके अप्लाई करना है एंड डाउनलोड पे टैप करके आप उसको अपने वॉच में इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड Redmi Watch 5 Active में आपको इनबिल्ट 6 वॉच फेस रखने का ही ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम वॉच फेस पे टैप एंड होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6 वॉच फेस ही इसमें रह सकता है। अब कोई भी नया वॉच फेस अगर हमको इसमें ऐड करना होगा तो या तो हमको मी फिटनेस ऐप से एक इनबिल्ट वॉच फेस को डिलीट करना पड़ेगा या फिर आप डायरेक्टली वॉच में से भी जो है ना किसी भी एक इनबिल्ट वॉच फेस को डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो 6 इनबिल्ट वॉच फेसेस है इनमें से ये जो फर्स्ट 3 वॉच फेसेस है ना ये आपको वॉच में आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। बाकी जो 3 वॉच फेस आप ऐड करेंगे, किसी भी वॉच फेस को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको उस वॉच फेस पे इस तरीके से स्वाइप अप करना है, आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा एंड आप यहां से डायरेक्टली वॉच से जो है ना किसी भी इनबिल्ट वॉच फेस को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वॉच फेस के लिए आपको वॉच में ही एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस वॉच फेस के लिए यहां पे 3 टाइप का ऑप्शन है, तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये जो वॉच फेस है इसके लिए भी यहां पे एडिट का ऑप्शन है एंड यहां पे भी जो है ना 3 टाइप का स्टाइल है जिसमें आप कलर्स देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है। इसके अलावा इस वॉच फेस में जो है ना यहां पे आपको कॉम्प्लिकेशंस में भी कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप जो है ना अलार्म सेट कर सकते हैं या फिर अलार्म की जगह आप टाइमर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग को सेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो है ना आप कॉम्प्लिकेशंस जो है उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली जो कस्टम वॉच फेस है इसमें अगर हम एडिट के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो टाइम और डे का प्लेसमेंट है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, टॉप पे रख सकते हैं या फिर बॉटम में रख सकते हैं। तो कुछ बेसिक एडिटिंग जो है ना आप वॉच में भी कर सकते हैं, वॉच फेसेस में। सो फ्रेंड्स, यही था Redmi Watch 5 Active के लिए जो भी वॉच फेस से रिलेटेड ऑप्शंस था या किस तरीके से आप कस्टम वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। Redmi Watch 5 Active के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वॉच को जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।